वैसे तो मैं क्या बोलूं इनके लिए अनंत है तो लिखा है कुछ कि जो अनंत है उन्हें कैसे मैं कुछ लाइनों में सीमित करूं, वो भले ही अपने नहीं है पर अपने हितकारी है, हम उनके आज्ञाकारी है। शिक्षा का ज्ञान बांटा है हमको, चाहे लगाया चाटा हमको, माँ बाप को परिवार के अलावा हमारे एक ये हितकारी है, माँ बाप को परिवार के अलावा ये हमारे रक्षक है, ये मेरे प्यारे से शिक्षक है। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है यारो कि हम एक गुरु के द्वारा ज्ञानी हैं। हैप्पी टीचर डे ऑल ऑफ यू एंड रेस्पेक्टेड टीचर, आई एम अजेंद्र कुमार फ्रॉम इटावा राजस्थान। दोस्तों आपने एक लाइन तो सुनी ही होगी कि बिलीव इन योर सेल्फ एवरीथिंग इज पॉसिबल, सुनी होगी सबने। लेकिन मैं मानता हूं कि जहां तक हम स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं वहां तक अपन को अपने गुरु पर जो विश्वास करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए, वो 100% करना चाहिए, न कि अपने पर ज्यादा, क्योंकि गुरु पर जो विश्वास करेगा वही 100% सीख पाएगा। पहले तो पूरी सुनेगा फिर उसके बाद में आग निकालेगा। तो जाम पर जाम पीने से क्या होगा, जाम पर जाम पीने से क्या होगा, फुकट तक सारी उतर जाएगी कि जाम पर जाम पीने से क्या होगा, फुकट तक सारी उतर जाएगी, पीना है तो आईसी तक की मेज पीओ, जिंदगी सुधर जाएगी। बहुत ही टफ एग्जाम होना चाहता है उनकी तैयारी करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा है भी नहीं कि हम सभी आईआईटी में सेलेक्ट, मतलब आईआईटी में सेलेक्ट हो पाए। इसके लिए भी ऐसा ही मैं बोलना चाहूंगा कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। Yeah.
टीम डायरेक्टर सबके पास है, बस सबसे बड़ी बात है कि उसको दिखाने का हिम्मत, उस टैलेंट को दिखाने की हिम्मत वो कम लोगों के पास होती है। टैलेंट सब लोगों के पास है, अरे सर बात टैलेंट है, अलग अलग तरह के टैलेंट होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला हर इंसान इंजीनियर नहीं बनने वाला, पर कुछ और बनेगा तो उसके टैलेंट की वजह से बनेगा, उसकी अंतर इच्छा क्या है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, एक बच्चे का जो लेफ्टिनेंट बना, मुझे देखती पीछे खड़ा हो जाएगा। वो बातें करता हूँ, उनकी आदत थी चारों को बातों में लगा के चारों से वो हंसी मजाक करता रहता। तो मेरे पास आया हो कि सर आप मेरी डेली इंसल्ट करते हो, और मैंने कहा बेटा तू पढ़ना ही चाहता, तू क्लास में पढ़ने आता है, ये सब मुझे पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना नहीं है। बोला सर मुझे IIT करनी ही नहीं है। मैंने कहा फिर तू क्लास में क्यों आ रहा है? बोला पापा ने बोला हुआ है कि IIT कर। तो मैंने बोला तू एक काम कर, तुझे क्या करना ही पड़ा मुझे कि सर मुझे तो डिफेंस में जाना था। मैंने डिफेंस में जाना है तो कि सर मैं तो चाहता हूँ भी कुछ बन जाऊँ भी, या मैं तो पापा मुझे भेजती नहीं कहीं भी, जाने दे दो। मैंने काम कर, तू बस इतना कर दे कि क्लास में चुप बैठा, फिर चुप बैठना स्टार्ट कर दे, मैं तेरी इंसल्ट नहीं करूँगा। तो वो अपने आप को ऐसा मानता था कि सर मेरी इंसल्ट हो जाती है क्लास में, आप बोलते हो हमेशा पीछे आके खड़ा कर देते हो डेली, तो क्लास में लड़कियाँ भी बहुत सारी, तो हम तो मैं क्लास में कम है, कोई इंजीनियर में मिलेंगे नहीं, इंजीनियर सबसे कम होती लड़कियाँ। तो यहाँ पे हो इंजीन में जाओगे कर के लिए, यहाँ इंजीन पे नहीं जाने के लिए चलो बड़ी बात है, कुछ लोग समझदार है। तो वो ऐसा, तो उसको मैंने ये बोला मैं एक काम कर, बस तुम मैं तेरे मम्मी को कन्विंस कर लूंगा, तो बात करूंगा मैं, पर तू क्लास में चुप बैठेगा, बस जो मैं बता रहा हूँ उसका पढ़ ले, और कम से कम इतना पढ़ ले कि 11-12 तू पास कर ले बस उसके बाद में सर मैं लेफ्टिनेंट बन गया, मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई, तो इसलिए मैंने आपको फोन किया है। तो मुझे उससे खुशी हुई हुई कि वो आपके वो लड़का जो क्लास में एक तरह से मतलब सबसे बिगड़े बच्चों में था, उसके पापा उसके परेशान थे कि अरे कुछ नहीं कर पाएगा, मेरे सामने उसको गाली दे दी उन्होंने, कुछ नहीं कर पाया सर, कुछ नहीं होगा इससे, ये कुछ नहीं कर पाए। मतलब कई पेरेंट गुस्से होते हैं गाँव में आजकल, तो फिर पेरेंट्स होते बच्चों से डरते हैं थोड़ा सा कि अरे इसको कैसे बोल दें, वो बाद में घर जाके बोलेगा आपने इंसल्ट कर दी मेरी सबके सामने। तो पहले से होता था तो अलवर में थे तो वहां उसको डांट दिया, उसको उसके मेरे सामने भी डांट दिया, उसको सुना दिया कि कुछ नहीं हो सर, इसकी कुछ नहीं करना, ये बहाने करना है, बोला डिफेंस में जाना है, कुछ नहीं जाएगा पढ़ता ही नहीं है। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा आपके तरफ ये कर लेगा, कुछ इसने बोला ये कर लेगा, पर वो बस उसने वही किया कि वो पास होता गया, मतलब ठीक ठाक उसे बल्कि उसकी 12th पास कर ली उसने, पर वो लेफ्टिनेंट बन गया। तो मुझे इसके बीच का टाइम नहीं पता उसने क्या किया, पर उसने बात मानी, उसने मुझे फोन किया, जिसने ट्रेनिंग करी थी मुझे कॉल किया उसने, मुझे पहले तो मैं पहचाना नहीं, कुछ नाम पता था, मुझे इतना इतनी खुशी हुई से, मुझे सकल याद आई, मुझे क्या ये बच्चा जो पढ़ाई में कुछ था ही नहीं, वो लेफ्टिनेंट बन गया है, तो एक बहुत बड़ी बात है उसके उसके लिए नहीं, उसके शहर के लिए बड़ी बात हो गई एक तरह से, उसकी जिस एरिया से वो आता है उस एरिया में भी वो लेफ्टिनेंट बन रहा है, तो इतना उसका टीवी भेजी मुझे अखबार में छपा था उसके लिए कि उसे इतनी कमाई में निकलने वाला लेफ्टिनेंट, तो ये बड़ी बात थी। तो ये ऐसा होता है, तो वो बात ये है कि आप इंजीनियरिंग करोगे आप मेहनत करना सीख रहे हो, सही एक गोल को डिसाइड करके उसको मेहनत करना सीख रहे हो, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये तो जो मुझे याद आ गया अभी मैंने आपको बता दिया अभी, ऐसे कभी कोई दूसरा ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कुछ भी है जो दुनिया ही नहीं चल रहे,
अंदर इंसान को शायद पता होता है या नहीं होता है, पर दुनिया के नजर दुनिया मान लेती है सिर्फ पढ़ाई के उनके मार्क्स देख के, क्या ये कुछ भी नहीं, ये कुछ नहीं करेगा, या उसकी हरकतें देख के, अरे ये तो कुछ करता ही नहीं है, इसका कुछ नहीं होगा। पर वो आदमी अगर सोच ले कि मुझे तो ये करना है और लग जाए उसमें, और ज्यादा ऐसे लोगों को फायदा होता है इस चीज का कि दुनिया तो मानी चुकी होती है कुछ नहीं होगा, तो दुनिया उम्मीद करना छोड़ देती है उनसे, फिर बस फिर वो अपने लग जाते हैं। जितनी उम्मीद होती है उनका बोझ आ जाता है, जिससे उम्मीद होती है ना कह रही ये तो करेगा, तो उसके बोझ आ जाता है सर में कि अरे मुझे नहीं करना है, जबकि जिसमें उम्मीद नहीं है माने लगे अरे इसका कुछ नहीं होना, उसके दोस्त भी मान चुके भाई तू तो क्या करेगा, तू करेगा क्या आई डी, मुंह बोल देते तेरे तो पढ़ाई होती नहीं, तेरे बारी बात नहीं ढंग से, तू क्या आई डी करेगा, तो लोग बोल देते, तो उसे उम्मीद हल्का हो गया, अब टेंशन नहीं है, अब अपन जो करेंगे उसमें निकल जाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं। तो उसके साथ ये केस था, उसे नहीं केस था, वो आज लेफ्टिनेंट बन गया, तो मतलब इतना हो गया कि घर वाले शहर वाले गाँव वाले सब उसकी खुशी मना रहे हैं, उसके पापा इतना खुश है कि लेफ्टिनेंट बन गया बेटा, जो कुछ करने वाला नहीं था, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो ये मत सोचना कि इंजीनियरिंग नहीं हुई तो कुछ नहीं होगा, इंजीनियरिंग हमारा अभी वाला गोल है, अभी अभी सबसे बड़ा गोल इंजीनियरिंग है, लाइफ का गोल नहीं है, कि लाइफ का थोड़ी है कि लाइफ में सबसे बड़ी चीज, अभी सबसे बड़ी चीज इंजीनियरिंग है अपने लिए इस टाइम, क्योंकि इस टाइम अपने सामने ये चीज है। मैं आपको ये बोलूँ सामने जो अच्छे से करो, इंजीनियरिंग अच्छे से कर लोगे तो अगर होगा या नहीं होगा टूरिस्ट में आपको ये अफसोस नहीं होना चाहिए काश थोड़ी और कर लेता, वो काश नहीं होना चाहिए कि काश थोड़ी पढ़ाई कर लेता, काश दो महीना वो पढ़ लेता मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए आपको ये, हाँ ठीक है नहीं हुआ मैंने किया नहीं हुआ होना ही था, मुझे कोई बात नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं मैं आगे करूंगा। बहुत सारे लोग ट्वेल्थ में कर जाते हैं आगे जाकर यूपीएससी में कर जाते हैं, नहीं होता ये नहीं होता, वहाँ बड़े आगे सुविधा कर जाते हो, ऐसा भी होता है कि जो यहाँ आई आई निकाल पाए पर वो मेहनत करने की जो आदत है वो वहाँ फायदा देती है उनको, वो आई सुविधा मिल जाते हैं, तो जो चीज़ यहाँ निकली उससे बड़ी चीज़ वहाँ मिल जाती है, तो ऐसा भी होता है, ठीक है ना। तो एक बात की टेंशन लेना ही मत, बस ये तुम्हारी मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए, ये बात सोच के कह रहे कुछ भी नहीं है आई आई टी कुछ और कर लेंगे, ऐसा भी नहीं, वो हल्का एटीट्यूड होना चाहिए, यही मतलब कुछ और कर लेंगे, अभी तो यही करना है, अभी तो ये करना है पूरी तरह लग गया, ये करना है जो सामने है, क्योंकि तुम आ गए ना यहाँ, तुम आ गए तो तुम यही करने आए हो, ये तो घर पे बैठ गया ऑनलाइन पढ़ लेते या घर पे बैठे सिंपल ट्वेल्थ का बोर्ड दे देते, बस क्यों क्यों आए यहाँ आए हो, तो आप सोच के आओगे ट्वेल्थ पास करने के बाद यहाँ आए, बस यहाँ आए इसके लिए आई आई टी की तैयारी करने के लिए, अब आ गए तो मतलब उसको अच्छे से करो, नहीं होगा वो अलग मैटर है, वो अलग मैटर है, आप किसी को मुंह दिखाने लगे होगे आप खुद अंदर से विश्वास होगा मैं तो मेहनत करी थी मैं रह गया कोई बात नहीं अब मैं आगे कर लूंगा, इतना विश्वास होना चाहिए तुम्हें, पता पड़े तुम खुद ही मन में ही जान लो कि मेरा तो होना ही नहीं, आज ही मान लिया तुमने, बहुत सारे लोग मान लेते हैं सितंबर अक्टूबर में कुछ लोग मान लेते हैं, हर साल होता है ऐसा, अक्टूबर में कुछ लोग मान लेते हैं आगे बोल देते हैं सर मेरा तो नहीं हो रहा, कुछ लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं कि सर तो होना ही नहीं, अरे अब तो होना ही नहीं पक्की बात है, तुमने खुद ने साइन कर दी उसमें मॉडल लगा दी के लिए मेरा तो होना ही नहीं, तुम पढ़ाई छोड़ दी अब होना ही नहीं, रेस में तो तब जीतेगा या हारेगा, तू दौड़ेगा तू दौड़ गया तुम बोलती तू हार गया तू हारे वैसे, तो कम से कम इतना ऐसा अफसोस नहीं होना चाहिए, तो पढ़ाई चालू रखो अपनी अपना काम चालू रखो अपना ड्यूटी सेट करो, हाँ उसमें अच्छा करने के लिए जो कर सकते हो करो, उसको जो इम्प्रूव करने के लिए जो कर सकते हो करो, वो हर दिन होना चाहिए, हर दिन एक जंग जीतो खुद से, हर दिन एक जंग खुद से जीतनी है, कि खुद अगर मान लो कि ये मैं नहीं कर पा रहा मैं करूंगा, तो मैं लगता है ये चैप्टर पहले टफ है नहीं मैं करूंगा, और वो जीत के कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा तुम्हारा, कि तुम्हें लग रहा था ये चैप्टर ये वाले क्वेश्चन नहीं बन रहे वैसे अब बन रहे हैं,